कमीशन ने कंप्लेंट किया है, एक फेक लेटर जो कहते हैं कि एमबी पाटिल साहब ने लिखा था, जो आज के दिन होम मिनिस्टर है कर्नाटका के, उस फेक लेटर में ये लिखा है कि हम क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करेंगे और लिंगायतों को कहेंगे कि उनको माइनॉरिटी सीट मिलना चाहिए ताकि जो हिंदू वोट है वो डिवाइड हो जाए। ये कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड और फेक लेटर था और इसके बारे में हमने 10 जुलाई 2017 में पहले कंप्लेंट भी की थी और उस समय भी हम यहाँ इलेक्शन कमीशन में आए थे और कहा था कि ये फेक है। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 16 अप्रैल 2019 को दोबारा ये फेक लेटर एक विजयवाणी न्यूज़पेपर है उसमें छपा और दिग्विजय न्यूज़ चैनल पे चला, दोबारा ये फेक लेटर। और ये जो ओनर है विजयवाणी का और दिग्विजय न्यूज़ का वो है, उसका नाम है मिस्टर विजया संकेश्वर और उसके बेटे का नाम है आनंद संकेश्वर और वो अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ फोटो दिखाते हैं अपनी, और जो विजय संकेश्वर हैं वो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो ये भाजपा के लोग प्रधानमंत्री के नज़दीक ये सारा झूठ फैला रहे हैं और वही फेक लेटर के आधार पे सारा वायरल हो गया, सारे चैनल्स में वायरल हो गया, न्यूज़पेपर में छपा। और जब हमने वहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट किया, उन्होंने ये फैसला दिया कि ये गलत है, इसको दोबारा पब्लिश नहीं करना जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होना। लेकिन पब्लिश तो हो चुका था, वायरल तो हो चुका था मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। तो हमने आग्रह किया है चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ फोर्जरी का केस दाखिल होना चाहिए क्योंकि ये फेक लेटर है, खास ऑल्सो अंडर 153A कम्युनल डिसहार्मनी के लिए, और साथ साथ में 295A का केस होना चाहिए और 1 कंस्पिरेसी का केस होना चाहिए, इसमें भाजपा भी शामिल है। और इसके बाद हुआ क्या कि येडियुरप्पा ने वही फेक लेटर लेकर प्रचार किया, वही फेक लेटर लेकर प्रचार किया, और पुराना जो मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के उन्होंने भी ऐसा ही प्रचार किया। बीजेपी के लोगों ने भी प्रचार किया। तो अगर पहले तो आप फेक लेटर बनाते हो, फिर आप उसका प्रचार करते हो, फिर चुनाव आयोग कहता है मत करो, तो वो तो वायरल हो चुका है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमने कहा है इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल केसेस लॉन्च होने चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वोट करने गई और जब वोट करने बाहर आई तो तुरंत उन्होंने कहा अब की बार फिर मोदी सरकार। अब डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम होना चाहिए कि ये चुनाव आयोग की डायरेक्शन का उल्लंघन है, आप ऐसे स्लोगनियरिंग पोलिंग बूथ पे नहीं कर सकते, और उसका जो वीडियो है हमारे पास है, वो वीडियो हमने चुनाव आयोग को दिया है। मैंने चुनाव आयोग को ये कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि इस देश में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो चुनाव आयोग की कोई परवाह नहीं करते, जो उनके मन में आए करते हैं, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी ऐसा करते हैं, इनके मंत्री भी ऐसा करते हैं, और अगर हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे करना लगे तो मैसेज क्या जाएगा देश की जनता के बीच। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने ये डायरेक्शन दी है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको निष्पक्ष तरीके से अगर रेट करना है तो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। अभी हाल ही में 11 अप्रैल को जब चुनाव हो रहा था कि एक हमारा उम्मीदवार है बिहार में, उनके घर में रेड किया, घर में कुछ नहीं मिला, वो खुद घर पे नहीं थे, केवल पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उनको तंग किया, मिला कुछ नहीं, लेकिन यही फिर रेड के आधार पे प्रचार होता है कि इनके घर में रेड हो गया। तो इस देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, और जहाँ जहाँ भी इनको लगता है कि कांग्रेस के लोग हैं, ये विपक्ष लोग हैं, वहाँ ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेज कर ये प्रचार करते हैं, जिसकी हम निंदा भी करते हैं, और हमने चुनाव आयोग को कहा है कि आप कड़े से कड़े कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।